कोट पराध हमारे खंडो अनक विधि समझावो हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम अपन बिरद रखावो ज्यों बुलावे त्यों बोले स्वामी कुदरत कवन हमारी साध संग नानक जस गायो जो प्रभ की अत प्यारी साध संग नानक जस गायो जो प्रभ की अत प्यारी साहिब गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र गोद विच जुड़ मिल बैठ बहुत ही सम्मान योग भाई अर्शदीप सिंह जी उन्हां दे रागी जत्थे पासों आप जी ने कीर्तन सरवण किया है। सतगुरु मेहर करे गाविया सुनिया थाए पवे सानू जिंदगी जीवन दा ढंग आ जाए। बिरतियां दी एकाग्रता बना के गुरु फतेह जी सांझ करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। माझे दे इलाके विच एक पुला पिंड है। इत्थे एक सादगी जी वाला परिवार जिमीदार परिवार खेती करन वाला परिवार रहिंदा है। उस परिवार विचों मुखिए दा नाम है भाई जोत। भाई जोत सिंह जी जिन्ह समयां च गुरु कलगीधर पातशाह ने मुकतसर साहब दे जंग लड़े उदों ये भाई जोत उस जोत सिंह जी मुकतसर साहब दे इलाके विच शहीद हो गए सन। गुरबाणी विच बड़े प्यारे बोल ने। पहलों मैं बेनती करा रब ने सब तो पहला साढ़े सिर ते मौत रखी मरण लिखाए मंडल में आए। मौत पहला लिखवाई है ते तां दुनिया विच आना होया। जित दिहाड़े धनवरी साहे ले लिखाए मौत पहला है। गुरु ने भी मौत नूं पहले नंबर ते रखिया। अमृत बाणी दा वचन पढ़दे हो पहला मरण कबूल जीवन की छड आस हो सबना की रिण का तो आओ हमारे पास। मौत पहला लिखी मौत गुरु ने पहला कबूल करवाई। फिर भी हैरानी की गल है बंदा जिस दिन दुनिया में आया जेड़ी मौत सब तो पहला सी इन्हें सब तो पहला उन्हें भुलाया। अमृत बाणी का वचन पढ़ दियो जैसी अगन उधर मैं तैसी बाहर माया
माया अगन सब एको जही करते खेल रचाया, जा तिस भाणा तां जमिया, परवार भला पाया, लिव छुटकी लगी तृष्णा, माया अमर वरताया। लिव छुटक गई तृष्णा लग गई, तृष्णा ने की कीता, ए तृष्णा वड्डा रोग लगा, मरण मनो विसारिया। इन्हें सब तो पहले पड़ा ते मौत भुला दिती। हुण बंदा ज्यों दुनिया च आया है त्यों जन्म तो लेके अंत तक इको ही कोशिश करता है, इको लड़ाई लभना लड़दा है, किसे तरीके मैनू मौत ना आवे। एक बचन गुरबाणी का बड़े ध्यान नाल सुने जे, जग मरण ना पाया। दुनिया नूं मौत चंगी नहीं लगती, जग मरण ना पाया, नित आप लुकाया, मत जम पकड़े लै जाए जियो। जगत नूं मौत चंगी नहीं लगती, लुकाउंदे फिरने अपने आप नूं, किसे तरह असीं मौत तों बच जाइए। मता किते जम मैनूं लै जाए, मैं नहीं जाना चाहुंदा, मैं बचना चाहुंदा। शहीद वह हुंदा है, दुनिया तो मौत तो लुकती फिरती है, पर शहीद वह हुंदा जिहड़ा मौत नूं सामने टक्करदा है। शहीद वह हुंदा है जिहड़ा फैसला करदा है, मेरी जिंदगी च मैनूं जीवन प्यारा है जां जिहड़े सच ते मैं पहरा दिंदा मैनूं वह सच प्यारा है। जिन्हां नूं सच प्यारा हुंदा है, आशिक हैं जो शहादत के वो जीना छोड़ देते हैं, खिलौना समझ कर जिस्म को खुशी से फोड़ देते हैं, ना तख्तों ताज ना उरों की हसरत, उन्हें कोई लालच नहीं हुंदा, खुदा भी दे खुदाई तो वापस मोड़ देते हैं। उन्होंने मना विच मरण का डर नहीं हुंदा, जय मरने सब जगत तरासिया, तरासिया का मतलब हुंदा डरना। सो मरना गुर शब्द प्रगासिया, कबीर मोहे मरने का चाओ है, मरो तो हर के द्वार, मत हर पूछे कौन है, पर हमारे बार। परिवारों विच चाह हुंदा सी, एस भाई जोत सिंह दी शहादत होई, स्नेहा घर विच आ गया, उहदे कोल दो बच्चे ने, घरवाली ने दोवें बच्चियां नूं, एक धी है एक पुत है, अपने गोडियां कोल बिठाया, दिलासा दिता, कहण लगी पुत वे तेरा बापू सच दी खातर, तेरा बापू धर्म दी खातर, तेरा बापू इंसानियत दी खातर शहीद हो गया। सानू ते संस्कार करन दा भी मौका नहीं मिलिया, पर कोई गल नहीं, जिस कलगी धरदे आपां पुत्तर हैं, जिस कलगी धरदे आपां धीआं पुत्तर हैं, उहने खुद ने भी किसे दा संस्कार नहीं कीता, सिर्फ अद्धा ही संस्कार कीता है। गुरु तेग बहादुर साहब जी दे शीस दा, अपने बच्चियां नूं पालिया, मां ने इक्को ही गल कहनी अपने पुत्र नूं, पुत वे मैं चाहनी जिहो जिहा तेरा बाप होया उहो जिहा तू होवें, जिवें तेरे बाप ने शहादत दा जाम पीता है, उमें पुत वे कदे तू भी शहादत दा जाम पीवें, मैं तैनू खुशियां नाल तोरांगी। इस परिवार विच जिहड़ा बच्चा है उहदा नाम है भाई तारू सिंह, जिहड़ी बच्ची है उहदा नाम इतिहास विच तारो आया है, ते इतिहास ने अखर उही लिखे ने, कई बारी घर च नां ते होर हुंदा है, असल नां ते होर हुंदा है,
तार कौर जां जिहा कोई ना होवेगा पर इतिहास की पकड़ विच नहीं आया। मां ने अपने पुत नूं रोज समझाउणा, बेटे किसे वक्त कोई दुनियावी काम भावें रह जाए पर याद रखी तू कदे गुरबाणी दे पाठ नूं ना भुल्ली, कदे गुरमत दे उपदेश नूं अखों परोखे ना करी। मामा कोल बड़ी ताकत हुंदी है, वो चाहुण तां बच्चे नूं किते ना किते पचा सकदियां ने। नित दिहाड़े मां ने उपदेश करना, मां ने प्यार करना ते बड़ी लगन मन विच भावना लगी रहनी। पुत्र भी खेती करन लग पिया, जदों कदे वक्त मिलना उन्हें आखिरकार थोड़ा बहुत टाइम कढ़ के वक्त कढ़ के अपने वालों प्रशादा पानी तैयार करके जंगलों में बैठे हुए खालसे नूं रातों रात पचा के आना। इस मां ने भी जदों वक्त मिलना उदों चोले सी के रख लेने, कशहरे सी के रख लेने, अज वर्गे दर्जी नहीं सन होंदे। कदे सिंगा दा पता लग्या आटा पी के रख लेना, जदों सुनेहा आवे ते बहुती देरी ना होवे असीं सेवा निभा सकीए। अज भी मां अते धी दोनों जणियां ने लग के एक टोकरा प्रशादियां दा बनाया। एक बड़ा सारा बालटा दाल दा बनाया, कुछ कपड़े चोले अते कुछ कशहरे एक छोटी जी गंढ बन के रख ली। सारी तैयारी कर ली, उड़ीक विच ने हनेरा कदों हुंदा है ते कदों मैं समान उन्हां कोल पहुँचा के आवां, सिंह भी आ जाना, मैनू भी जाना सुख होवे, किसे नूं पता ना लगे। अचानक बूहा खड़ गया, मां कहिंदी पुत वे बूहा खोल दे, शायद कोई सिंह ही ना होवे। बूहा खोलिया, सामने एक बजुर्ग खड़ोता है, उहदा पहरावा दसदा है यह मुसलमान है। आखिरकार बूहा खुलिया ते नौजवान भाई तारू सिंह पुछदा है, कहन लगे आओ बापू जी, जी आया नू, जी आया नू। इन्ने समय चो बजुर्ग पुछदा है, कहन लग्या पुतवे ए दशमेश पिता गुरु कलगीधर दे सिख भाई तारू सिंह दा घर है। उहदे कोल हिलिया ना गया, जवाब कोई ना दिता, अखां च पानी आ गया। मेरा हुंदिया साइयां कोई किसे नूं किसे नां नाल याद करदा, कोई अमीर दे नां नाल याद करदा, कोई गरीबी नां नाल याद करदा, कोई अहुदेदारी दे नां नाल याद करदा। सतगुरु मैनू लोक तेरे नां नाल याद करदे ने, मैं किड्डा सुभागा, मेरा हुंदिया साइयां मेरे नां दे नाल लोक तेरा नां लैंदे ने, मैनू तेरे नां करके मैनू भी अदब सत्कार मिलदा। बजुर्ग ने फिर पूछया, कहन लगे पुत्र बोलिया नहीं कुछ भी, हाथ जोड़े कहन लगे हाँ बापू, एक कलगीधर पातशाह दा ही घर है, असी तो सिर्फ रहने हैं उहदे बच्चे। अंदर आ गए, इस बजुर्ग का नाम है रहीम बख्श।
मछियां पकड़ के गुजारा करता सी, गरीब बड़ा जिहा परिवार सी। अंदर आ गए, भाई तारू सिंह ने पानी दिता, हाथ पैर धोते, बिस्तरा लाया, ले बापू प्रशादा तैयार है, पहला प्रशादा छक लो। थाली विच प्रशादा पाके आ गया, एक ग्राई तोड़ी अल्लाह दा शुक्र करके, दाल नाल लाई पर मुंह विच पाउण दी हिम्मत ना हुई। मुड़ थाली विच रख दित्ती, भाई तारू सिंह कोल बैठे ने, पुछते ने, कहन लगे बापू किसे बहुत गहरे गम विच डुबिया लगना है, को बहुती चिंता तेनू सता रही, मैनू लगता है तू प्रशादा क्यों नहीं छकदा। प्रशादा छक लै बापू, इन्नी गल करन दी देसी बाप दियां तहां निकल गईयां, बजुर्ग दियां तहां निकल गईयां। कहन लगे ओ मैनू इन्नी बारी बापू कहन वाले आ, बड़िया आसा ला के मैं तेरे घर आया, प्रशादा किमें छका पुत, में प्रशादा छकिया नहीं जाता। कहन लगे बापू ओयो गल पुछने, गल ते दस की है। कहन लगे पुत किमें दसा, पट्टी का रहन वाला जाफर बेग एक हाकम है। भाई तारू सिंह कहन लगे हाँ बापू मैं जानना। कहन लगे उसने मेरी धी नूं जबरदस्ती घरों चुकवा लिया, मैं वडेरी उम्र विच ब्याह करवाया सी, ते मेरी घरवाली ते चढ़ाई कर गई, पर मेरी जवान धी है, बड़ी लुको के रखदा सा किसे दी नज़र ना पै जाए, वो अचानक नज़र पैगी पापी दे, उन्हें मैनू कई तरह के लालच भी दिते, मैं ना मनिया, लालच तो बाद उन्हें धमकियां दित्तियां। मैं अपनी धी नू बेनती की धीए इन्हां दरिंदियां दे हत्थां विच्चों बचा लैण दी ताकत मेरियां बाहां विच नहीं है, धीए इन्हां पापियां कोलों बचा लैण दी ताकत मेरे विच नहीं है, तैनू फिर भी मेरे कोलों खो लै जाणगे, किन्ना चंगा होवे जे तू मन बना लवें, मैं तेरा निकाह कर दिंदा धीए। धी रोण लग पई उच्ची उच्ची, कहन लगी बापू जी दे नाल तोरन लगा, कोई ओदियां खुद दियां धियां ब्याहियां होईयां ने, ओदे पुत ब्याहे होए ने, बापू तेरी उम्र तो वड्डा जिहदा लड़ ला के मैनू पकड़ा के तोरन लगा ना, ओ तेरी उम्र तो भी वड्डा है, मैं उहनू पति किवें कबूल करां। मैं नहीं जे जाना बापू। अंदर रो के मजबूर चुप कर गया, पर दो चार दिन बाद वो जालम आए, ओदी लड़की नूं चुक के जबरदस्ती ले गए। जांदा होया कह गया जाफर बेग, मैं तैनूं 5-6 दिन उड़ीकांगा, जे तेरी बच्ची मन गई निकाह कराउण नूं तां बहुत चंगी गल है, ना मन्नी ते मैं जबरदस्ती फिर निकाह कर लांगा। तुहानूं पता होवेगा कई वारी वास्ता पैंदा है, हुण ते मीडिया बहुत कुछ दिखाउंदा है, जदों निकाह कीता जांदा है उदों लड़की नूं हाँ कहनी पैंदी, काजी निकाह तां करदा है, इहनूं समझा इह हाँ कह देवे, नहीं हाँ मैं कहा लांगा। आखिर वो आप तो लेके लड़की नूं चले गए,
बापू नूं कह गए भी तू आ जाई, इहनूं समझा दई। दूजे दिन बापू गया पट्टी विच, रहीम बख्श गया पट्टी विच। वो जाके अपनी धी नूं समझाउंदा, धीए इहतों ते की रह गया हुण ते इक्को ही कम है, या तो तेरी मेरी मौत है जां तेरे सामने निकाह है, होर कोई चारा ही नहीं। धीए तेनू पकड़ के अंदर बंद किया होया है, मैनू अज मिलन दिता है, वह भी इसलिए भी तू धी नूं मना लै, कल मिलन देन पता नहीं ना मिलन देन। धीआं नूं बड़ा प्यार हुंदा है बाबल नाल। उन्हें अखां पूंजियां, कहन लगी बापू रस्ता ते हजे भी है, रस्ता हाले भी है। कहन लगे धीए दस कहना मैं वो करांगा, जो तू कहनी मैं वो करांगा, वो रस्ता कहना मैनू दस इक बारी। कहन लगी बापू सब तो पहला तो लाहौर जामी, उतों का हाकम है जकरिया खां। जकरिया खां कोल बेनती करी, वो मुसलमाना का राज होवे ते मुसलमाना दियां धीआं नूं चुके कोई लै जाए, असी फरियाद किथे करिए, फरियाद किथे करिए, सानू दसो तो सही कोई टिकाणा। हो सकदा जकरिया खां तरस कर ले तेरे ते, तेरी सफेद दाढ़ी ते, तेरी सफेद दाढ़ी ते शायद तरस कर ले, तेरी बन्नी पग ते शायद तरस कर ले, तेरी बुजुर्गी ते शायद तरस कर लवे। जे बापू तेनू इंसाफ जकरिया खां कोलों बिना ना मिलिया, फिर तू किसे ना किसे तरीके भाल करी किते तेनू सिंह मिल जाना, क्योंकि अजे तेरे कोल चार दिन बाकी ने बापू, तू प्रबंध कर सकना। उन्हें आख्या ठीक है धीए, फिर भी कुछ ना बनिया, फिर आप रस्ता सोचांगे मौत वाला। उस वेले बाप चला गया, एक चिट्ठी लेके फरियादी बन के गल च पल्ला पा के, जिहदी धी दे नाल एडा अनर्थ होना होवे, ओह बाप किवें विलकिया होएगा, शायद मेरे कोल शब्द नहीं कहण जोगे। पर पापी जकरिया खां ने एक ना सुनी, उहने छाती विच लत मारी, बजुर्ग ढह पिया, डिग पिया, पग लत गई, जबरदस्ती धक्के मार के घरों कढ दिता गया। जा ए हाकमां दियां, ए राजे महाराजियां दियां, बड़िया लोकां दियां, ए उन्हां दे शौक हुंदे ने, आदतां हुंदियां ने, कोई गल नहीं, तू धी होर नाल भी तां तोरनी सी, उह लै गया, कोई गल नहीं। हुण इक्को दरवाजा रह गया सी, उह सी सिखां दा बूहा खड़कावां। उतवे मैनू पता लग्या, मैं तारू सिंह का नाम सुन के मैं तेरे को आया, मैं तेनू मिलिया कदे नहीं, मैं अज तेरे को आया। पुतवे जिहदी धी जवान होवे, रब ओदियां बाहां विच ताकत बख्शे, जां उहदे कोल धन होवे, किसे गरीब की धी नाल इहो जिहा अनर्थ ना होवे। मैं दस किवें प्रशादा शकलां पुतवे, तू मैनू किन्नी बारी बापू कहा किते अज तेरे वर्गा मेरा पुत हुंदा, शायद मेरे भी वह बराबर दी बाँह बन जांदा। भाई तारू सिंह ने घुट के गल बकड़ी पा ली, बापू मैं भी तेरा पुत ही है, तां की होया, हुण तू प्रशादा शक, ये जिम्मेवारी हुण तेरी नहीं, हुण जिम्मेवारी साडी है, हुण वह तेरी धी नहीं, हुण वह भाई तारू सिंह की भैन है, हुण वह पंथ की भैन है,
हुण उह तेरी पुत्री नहीं, हुण उह गुरु गोबिंद सिंह दी पुत्री है। बापू प्रशादा छक लै पर सौवी ना, आपां चलना है। प्रशादा छकाया, थोड़ा जिहा हनेरा होया, भाई तारू सिंह ने टोकरा चुकिया प्रशादियां दा, एक कंधे उत्ते अपनी वो गठड़ी पाई है, गंढ जी बनी हुई कपड़ियां दी पाई है, एक हाथ विच बालटा चुकिया दाल वाला, नाल बजुर्ग नूं लैके कुछ दूरी उत्ते पिंडों बाहर खेतां विच बैठे कुछ खालसे जी नूं जा फतेह गजाई। प्रशादा पानी छकाया, पुछते ने खालसा जी सुचेत होके, भाई दारू सिंह आ नाल किनू नहीं फिरना बजुर्ग नूं, रात का समय। कहन लगे खालसा जी, इन्हें गुरु गोबिंद सिंह का बूहा जान के खड़काया है, इन्हें गुरु नानक साहब के घर की टेक आसरा तकिया, तो इन्हां दी मदद करना साडा फर्ज बनता है। की गल होई, सारी गल दसी फौजदार दी, जाफर बेग दी सारी गल दसी, इहदी धी नूं चुक के लै गया। प्रशादा पानी छकिया, सिंघां ने उहनूं अपने घोड़े उत्ते पिछे बिठाया, कहण लगे बापू तूं लड़ना नहीं है, पर तैनू नाल लेके तां जाना, क्योंकि तेरे आखे बूहा खोल देंगे, साडे आखे किसे बूहा नहीं खोलना। बापू चला गया, घोड़े वाले सिंह पिछे खलो गए, जाके रात नूं दरवाजा खड़काया, उस जाफर बेग दी हवेली का बूहा खोल दिता गया। उहदी लड़की का नाम सी सलमा, उन्हें आवाज मारी, धीए सलमा, धी नूं पता लग गया मेरे बापू की आवाज विच अज कोई दम है, या तो उन्हें सरकारे दरबारे कोई इंसाफ मिलिया होगा, या उन्हें कोई गुरु कलगीधर पातशाह का सिंह मिलिया होगा। मेरे बापू की आवाज विच अज दम है, अज अगे वर्गी निराशता नहीं है। आखिर उन्हें आवाज मारी, धी ने कहन लगी बापू मैं इधर है। बूहा खोल दिता गया, जदों पूर्ण भरोसा हो गया हवेली का भी बूहा खुल गया, अंदर पहरेदारा तो आ गया मिल गई, तो धी राणी के बूहे का भी कमरे का भी बूहा खुल गया। उदों ही उस गुरु के प्यार वालिया ने जयकारे गजाउंदिया ने आके हवेली ते कब्जा कर लिया। ज्यों कब्जा किया, उस पापी जाफर बेग नूं सजा दे के उहदी धी नूं छुड़वा के एक घोड़ा दिता, लै बापू तू हुण घर ना जावीं, ये जरम तैनू फिर चुक लैणगे। उह बापू अपनी लड़की नूं लै के कसूर वाले पासे नूं चला गया, जांदा होया एक गल कह गया, ओ कलगीधर पातशाह एक कृपा कर, धरती दे तख्ते उत्ते कदे कोई वक्त होवे तेरे सिंघां दा बोलबाला होवे, ते इहो जे पापियां दा अंत होवे। अज बापू अपनी धी नूं लै के जा रही है, धी घुट घुट गल बकड़ियां पाउंदी है बापू नूं, बापू ये खालसे हई अजिहे ने, ये सब दियां धीआं भैणां नूं अपनियां धीआं भैणां समझदे ने, छुड़वा के चले गए। ये भाई तारू सिंह दा जीवन है। जकरिया खां उन्हें बड़े पाप किए ने,
1726 तो लेके 1745 तक वो लाहौर का गवर्नर रहा। करीब 10,000 सिंह इस पापी जकरिया खान ने शहीद किया। इनू फिर भी किते ना किते खबर मिल जानी। तुसी कदे पढ़ो इतिहास, बोता सिंह ते गरजा सिंह उन्हां दा झाड़ियां विच्चों निकल के आउणा, मस्से रंगड़ वर्गियां दे सिर वढ़ने, ये उन्हां हालातां दीआं गल्लां ने। जकरिया खां ने अपने मुकबर बंदे, कौम दे गदार बंदे रामा रंधावा, हरभगत निरंजनिया इत्यादकों ने बंदे सदे, जिन्हां नूं बिठा के एक गल पुछदा, कहण लग्या मैनूं एक गल दी समझ नहीं लगी, मेरा बाप भी अब्दुल समद खां, साडी सारी सरकार भी, असीं सिखां नूं मुकाउंदे थक गए, पर ये मुके नहीं, ये खत्म नहीं होए। मैं रात भी अर्ज की सी, फिर दोहरा दिया, थोड़िया जी पंक्तियां ने पर उस बड़ा कुछ लिखिया विद्वान ने, बड़ा दर्द समोया, बड़ी कौम की हालात न समोया उस छोटिया जी पंक्तियों विच भी। लोग नित जमदे तां भी मुक जांदे, लोग नित जमदे तां भी मुक जांदे, सिख नित मरदे तां भी मुकदे नहीं। बड़े अवलड़े जख्म इस कौम खादे, नवे गौर आ जान पिछले सुकदे नहीं। लगन शहीदां दी याद विच सदा मेले, लोक पापियां दियां कबरां ते थुकदे नहीं। ओ गोलियां गिण के जे तू मारदा नहीं, लाशां असी भी गिण के चुकदे नहीं। मनिया तू गोलियां मारन लगियां, कदे हिसाब नाल गोलियां नहीं मारदा, अन्ने वाह गोलियां मार देने, याद रख सानू भी शौक नहीं है, असी भी कदे गिण के लाशां संस्कार नहीं करदे, असी भी शहीद गंज बनाए हुए ने। गंज कहिंदे ने ढेर नूं, इक्को इक कौम है, लोकां दे व्यापार दे गड्ढे भर के जांदे ने, इक सिख कौम है जिहदे शहीदां दे गड्ढे भर के जांदे ने, इत्थे दिल्ली तों भी शहीदां दे गड्ढे भर के निकलदे सन। 1984 का वक्त है संत जरनैल सिंह जी होरां दा, उदों भी दरबार साहिब दे विच्चों ट्रक भर भर के इवें अद्धे शहीद होए अद्धे नहीं होए, उमें दे उमें उन्होंने चौके लिजा के संस्कार कर दिते। धन है गुरु की सिक्खी जी दी जड़ कदे सुकदी नहीं है, ये खरी रहिंदी, क्योंकि इहदियां जड़ां च गुरु कलगीधर पातशाह ने अपने सरबंस का खून पाया होया। जकरिया खां पुछदा है लोग मरदे क्यों नहीं, मैं इन्हां दे घर उजाड़े, परिवार उजाड़े, प्रशादे नहीं मिलन दिते, दवा दारू नहीं मैं मिलन दिंदा, इन्हां दे जख्मां नूं मलम पट्टी नहीं होण दिंदा, कारण की है? हर भगत निरंजनिया एक गल कहिंदा है, कहिंदा जकरिया खां इन्हां ने इवें नहीं मरना, तू कहना मैं इन्हों का प्रशादा पानी बंद कर दिता, इन्हों जंगलों पहुँच जाता है, तू कहना इन्होंने पहनने वास्ते मैं कपड़ा नहीं रहन दिता, कपड़े इन्होंने जंगलों पहुँच जाते हैं, कहने कौन पहुँचाऊंगा, कह लगे भाई दारू सिंह। दारू सिंह कौन है, कह लगे वह खेती करता, वह बाप भी शहीद होया हो, सरकार का टैक्स भी भरता, चोरी नहीं करता। तारू सिंह वे खेती करें,
ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾਲ ਉਹ ਟੈਕਸ ਵੀ ਭਰਦਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਵੇ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਬਾਜਾ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਦਮੋਦੀਨ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 25 ਬੰਦੇ ਲੈ ਜਾ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ, ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤ ਵੇ ਆਇਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੂੜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ, ਪੁੱਤ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਬੰਨ ਲਈਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਹਾਂ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਿੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 6 ਸੁੱਕੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅੱਥਰੂ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਥਰੂ ਨੇ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਂ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗੱਲ ਵੱਕੜੀ ਪਾਈ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਚੁੰਮਿਆ, ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ, ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਪੁੱਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ, ਨਿਮਕ ਨਾ ਵਿਸਰੋ ਤੁਮ ਕੋ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਪੁੱਤਵੇ ਤੇਰੀ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਵਰਗੀ ਨਿਭ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਆਸਾ ਰੱਖਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹਾਂਗੀ, ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਛਕਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਖਿਡਾਵਾਂਗੀ। ਪਰ ਪੁੱਤ ਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੋਚਦੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਭੇਜਾਂ। ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਵੇਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਾਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਮਾਂ ਦਾ ਸੀਨਾ ਫਖਰ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਕਲ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ,
बेटे तू की बनना है, धी नूं भी पुछ लैने बेटी तू की बनना है। कोई कहिंदी मैं टीचर बनना है, कोई प्रिंसीपल बनना है, कोई इंजीनियर बनना है, कोई कुछ कहिंदा, कोई डॉक्टर कहिंदा, कोई वकील कहिंदा, कोई कुछ कहिंदा, कोई कुछ कहिंदा। आपां सारे सुणदे विचारने, पर याद रखो जे कोई माँ ये नहीं कदे अपने पुत नूं कहिंदी पुत वे तू बाबा अजीत सिंह वर्गा भी बनना है, पुत वे तू बाबा जुझार सिंह वर्गा भी बनना है, तू बाबा दीप सिंह वर्गा भी बनना है, तू भाई मनी सिंह वर्गा भी बनना है। कोई माँ नहीं कहिंदी। जे माँ कवे तू इंजीनियर डॉक्टर जो कुछ मर्जी बन जा, पर याद रखी जे तू गुरु गोबिंद सिंह दा पुत ना बनया फिर तू किसे भी लेखे च नहीं पैना, नाल गुरु गोबिंद सिंह दा पुत भी बन जाई। सच करके जाने, जे मां कवे तो एक दिन वक्त आएगा पुत जरूर बनेगा। मैं गल नेड़े कर दिया, भाई तारू सिंह अपनी मां दे चेहरे नूं बड़े ध्यान नाल वेख लै। मां कहन लगी पुत वे वेखना, मां रोई क्यों नहीं? कहन लगी मैं अज नहीं रोना, मैं अथरू संभाले हुए ने, मैं उदो रोवांगी जिस दिन मैनू सुनेहा मिलेगा मेरे पुत कोलों सिदक नहीं निभा होया। मैं उस दिन किसे कोने विच बैठ के रोवांगी, मैं क्यों ना बाणी पढ़ाई अपने बच्चे नू, मैं क्यों ना गुरु गोबिंद सिंह दियां साखियां सुनाइयां अपने बच्चे नू, मैं क्यों ना मां गुजरी दे उपदेश सुनाए अपने बच्चे नू, जेड़ा सिरकों डोल गया उदों मैं सारी जिंदगी कोस कोस के रोवांगी मेरा पुत क्यों डोल गया। जे पुत वे सुनेहा आया मेरा पुत शहीद हो गया। सत करके जानी अथरू फिर भी आ जाने ने, मैं संभाल के रखे हुए ने, पर वो अथरू किसे खुशी दे होणगे, वो गमी दे नहीं होणगे। भाई तारू सिंह अपनी मां नाल प्यार करके अगे तुर पिया। अगे भैण खलोती है, भैन तारो उन्हें भी घुट के गलवकड़ी विच पाया। कहन लगी छोटे होंदिया तो लड़दा आउंदा ना मेरे नाल, जिवें भैन भरा घरां च अक्सर लड़दे ने, छोटी होंदी तो मेरे नाल लड़दा आउंदा ना, कहा करदा सी ना देख मेरे नाल लड़दी मैं तैनूं डोली च नहीं पाउणा। मैं आख्या करदी सां तू डोली च नहीं पाएगा, मैनू पंथ डोली विच पा देगा, मेरा परिवार बड़ा बड़ा है। तू कहा करदा सी ना ते अज तुर चलने हैं वीरा बिना डोली च पाउण तो ही, पर याद रखी मैनू अज भी पंथ डोली च पा देगा। वीरा मैं तैनू एक बेनती करन लगी है। भैन कहन लगी वीरा तेरे ते बड़े तशद्दद करने ने जालमा ने, जदों तेनू दुख देणगे तेनू तसीहे देणगे उदों वीरा तू मां नू चेते ना करी, लोक मावां नू चेते करदे ने। निक्की जिही दुख तकलीफ होवे लोकी घर नू चेते करदे ने, अपनियां मावां नू चेते करदे ने, अपने परिवार नू चेते करदे ने। जदों तेनू दुख तकलीफ होवे तू घर परिवार नू चेता ना करी, तेनू तसीहा देणगे। उदों भाई मती दास नू चेता करी, उदों भाई सती दास नू चेता करी, उदों गुरु तेग बहादुर साहिब नू चेता करी, उदों बाबा बंदा सिंह बहादुर नू चेता करी। वीरा वे घर नू चेते ना करी, गुरु गोबिंद सिंह नू चेते करी, ओ तेरा दर्द घट जाएगा। भैन नाल भी प्यार करके आखिर हाथ पैर बन्ने हुए घोड़े ते बैठा लाहौर लेके चले गए।
जेल विच बंद है। इतनी मैं अर्ज करा, एक कोई बनाई हुई स्टोरी नहीं है, ये तुहाडा इतिहास है। सामने जकरिया खां कुर्सी डा के बैठ गया, कहन लग्या मैं बड़े सिंह शहीद कीते ने, हुण मेरे को शहीद करन दे तरीके ही मुक गए, सिंह नहीं मुके। मैं तैनू पूछना है, तू मैनू कोई तरीका दस, मैं तैनू किवें शहीद करां, तैनू किवें खत्म करां, तैनू किहो जी मौत चंगी लगदी है। भाई तारू सिंह हस के कहन लगा, तू आपे ही कहना भी मैं बड़े सिंह शहीद कीते ने, हुण तैनू खालसा अपनी जुत्ती दी नोक अगे ला के लैके जाना चाहुंदा है, जिहो जी मौत तैनू चंगी लगदी उही जी मैनू दे दी। कहन लगे तैनू मैं एक नेक सलाह देना, तू कमलियां गल्लां ना कर। हुण बड़े ध्यान नाल सुनियो जे, मैं सुनिया तुहाडे घर च कोई कमाऊ पुत नहीं है, मैं सुनिया तेरी भैन बैठी है घरे तोरन वाली, मैं सुनिया कोई टिकाणा नहीं है तुहाडे कोल, जा मैं तैनू इत्थों एक लड़की दे दिंदा, ब्याह शादी करवा के अपनी मां नूं सुख दी रोटी खवा। तू जवान है, देख तू किड्डा उच्चा लम्मा गभरू जवान है, मैनू तेरी जवानी ते तरस आउंदा है। रतन सिंह भंगू दे बोल ने, भाई तारू सिंह कहन लगा, जो तुम हम पे है मेहरबान, जे तैनू मेरी जवानी ते तरस आउंदा है, तैनू लगदा है मेरे ते मेहरबान है, जो तुम हम पे है मेहरबान, आख ना मुझको हो मुसलमान, फिर मैनू ये ना कहे मैं मुसलमान हो जाऊं, मुझको दस कुछ ऐसा राह, कैसी सुवासी होए बिना, मैनू कोई एहो जिहा रास्ता दस मेरी कैसा सुवासा संग सिखी निभ जाए। जकरिया खां ने गल सुनी ते उठ के कुर्सी तों खड़ा हो गया क्रोध विच, कहन लगे जेड़े तैनू इन्ना कैसा सुवासा दा चा चढ़िया है ना, मैं पहला तेरे कैसा दी ओ गल करना है। मोची बुलाया, एदे सिर दी खोपरी उतार दियो जेड़े केसां ते एडा माण करदा है। कहन लगे मैं तेरे जुतियां मार मार के वाल झाड़ देंगा। तब तारू सिंह कहियो, रतन सिंह भंगू, तब तारू सिंह कहियो, ए जूते तुमरे पाहे। कह लगे जेड़े तू मेरे सिर च जुतियां मान की गल करदा है तेरे पैणगियां। तब तारू सिंह कहियो, ए जूते तुमरे पाहे, जो सिख पूरे सतगुरु तिस सिर केस नभाहे। मैं सतगुरु का सिख होया तो याद रखी मेरी तो सिक्खी केसा सुवासा नाल निभ जानी है, मैनू मुश्किल नहीं बननी। उस वेले एक मोची बुलाया गया, भाई तारू सिंह पिछे हथ करके बैठ गया, किते मेरी गर्दन हिल ना जाए, सोच के देखो निका जिहा दर्द होवे साडे कोल बर्दाश्त नहीं हुंदा। इत्थे रंबी रखी मार मार हथौड़ियां अंदर रंबी बाड़ दित्ती, फिर कढ़ी है, फिर सज्जे पासे, फिर खब्बे पासे, तीन पासियां तो खोपरी नूं पोली करके चौथी बारी जालम ने भाई तारू सिंह दे केसां नूं चंगी तरह अपने हत्थां नूं लपेटिया, झटका मार के उहदी खोपरी उतार दित्ती। भाई तारू सिंह दी खोपरी तां जालम दे हथ विच है, पर भाई तारू सिंह गुरु दे प्यार विच बैठा जयकारे लाउंदा है,
कहन लग्या जालमा तेरी जिंदगी का अंत करके फिर मेरे जीवन का अंत होगा। आखिरकार जकरिया खां अपनी थां ते है। किसी ने किन्ने दिन लिखिया, किसी ने किन्ने दिन लिखिया, मैं इस चक्कर च नहीं पैना चाहता। मैं इको बारी शब्द वरतना, जिनी बारी भी कथा करना मैं वारी वारी ये गल कहना। जकरिया खां पेशाब का बन पै गया, बड़े इलाज करवाए पर हल कोई ना निकलिया। आखिरकार उन्हों सुबेक सिंह ने एक गल कही, कहन लगे सजना किन्ना चंगा होवे तेरा इलाज वैद्या हकीमा कोल नहीं है, तेरा इलाज असल विच भाई तारू सिंह दी जुत्ती विच है। तैनू कहा सी ना भी खालसे ने जुत्ती दी नोक अगे ला के लेके जाना, मैं तेरे कोल है, तू उहदा खोपर ला सकना, मेरा भी ला दी जे गल गलत होई। तू भाई तारू सिंह दी जुत्ती मंगवा ते दो चार अपने सिर च खा के देख, जे तैनू आराम ना आया मैं जिम्मेवार बैठे। हुण उहने कपड़े च लपेट के जुत्ती मंगवाई ते अंदर बैठ के जिहड़े अत दे नज़दीकी सन उहनां नूं बिठा के कहण लग्गिया, बाहर गल ना जे करियो, लोक मैनू सलामां करदे ने। मैं किसे दियां खोपरियां रोलन वाला, अज अपने खोपरी दे उत्ते जुत्तियां खावांगा, मेरी बदनामी होएगी। पांच सत जुत्तियां मारियां ते उन्हों आराम आया। हुणे शरीर दी क्रिया दो चार बारी पांच सत बारी जाना पैंदा। वो जदों भी दरबार चों उठे अंदर जावे, हौली हौली गल बाहर फैल गई भी अंदर जुत्तियां खाण जांदा। सारे लोग उहदे तों हसण लग पए। हुण जदों उहदे हसदे ने उहनूं टांच लगदी है, उहदे कोल बर्दाश्त ना होया। कुछ दिन तां कढे उहने पर बर्दाश्त ना होया। आखिर कहण लग्गिया, मेरियां बाहवां कुर्सी ते बन्न दिओ, मेरियां लत्तां कुर्सी ते बन्न दिओ। दो पासे बंदे खड़ा दित्ते, इक सज्जे इक खब्बे। इक ने भाई तारू सिंह दा सज्जे पैर दी जुत्ती चुक ली, एक ने खब्बे पैर की जुत्ती चुक ली। आपे कह दिता, मैं जिन्ना मर्जी कहां तुसी मेरी एक ना जे सुनियो, इनियां जुत्तियां मारियो, इनियां जुत्तियां मारियो, मेरी सदा ली मुश्किल हल हो जाए, मुड़ मैनू लोड़ ना पवे। ते ओ दोवें हथ पैर बन के जुत्तियां मारन लग पे। ओ जदों ओदी जान निकल लगी, ओह मिन्नतां करदा, मैं सच विच कहना मैं मर चलिया, बंद करो। पर वो आपे पहला कह बैठिया सी, मैं जिन्ना मर्जी कहां तुसी रुकियो ना। आखिरकार वो सिंह ना रुके, वो उहदे माफ करना उहदे करिंदे ना रुके, उहदे नौकर ना रुके, मार मार जुत्तियां उस जकरिया खां पापी का अंत कर दिता। जदों उहदी जिंदगी का अंत हो गया, इधर गुरु के सिख नूं सुनेहा मिलिया भाई तारू सिंह नूं। उन्हें गुरु चरणों में अरदास की, ओ मेरा दिया साइया जयकार कियो धर्मिया का, पापी को दंड दियो ए, दे आ गया अपने सिख नू मैं तेरे चरणों में आवा। फतेह बुला के अपनी काया का त्याग करके भाई तारू सिंह का शरीर तो लाहौर जेल में बैठा है पिए। याद रखे जे भाई तारू सिंह गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह की गोद में बना। बस मैं अखीर विच इन्नी बेनती तुहानू करना चाहुंदा है, गुरु क्या सिखा, भाई तारू सिंह ने किसे धागे तवीतां दे उत्ते, किसे मुंदरियां दे छल्लियां दे उत्ते, नगां दे उत्ते इतबार नहीं सी कीता। उहनू अपने गुरु ते एडा वड्डा माण सी, उन्हों अपने गुरु ते एडा वड्डा भरोसा सी, उन्हों विश्वास सी, मेरा गुरु जो मंगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, नानक दास मुख ते जो बोले इहां उहां सच होवे।
मैनू मेरे गुरु ते भरोसा है, मैनू मेरे गुरु ते विश्वास है। उहदा बाल विंगा नहीं हुंदा जिहदे वल गुरु होवे। ये भरोसा रख के उन्हें आखिरकार किड्डा वड्डा कारनामा कर विखाया जिहड़ा अज साडी अरदास दा अंग बनिया होया। मैं तुहाडे चरणां च भी बेनती करन लगा, इन्हां पाए हुए मुंदरियां छल्लियां दे नगां ने तुहाडा कुछ नहीं जे सवारना। बड़ी खुशी है तुसीं नौजवान जुड़ के सहज पाठ करदे हो ते गुरबाणी नहीं तुहाडे जीवन दा सहारा बनना है, गुरबाणी नहीं जीवन दा आसरा बनना है। ये गुरबाणी ही सानू औखियां घड़ियां चों बचा के जीवन की उच्ची बुलंदी तक लेके जाएगी। इन्हीं बेनतियां प्रवान करियो। धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दा अते इत्थों दी समुची प्रबंधक कमेटी दा, गुरु कियां प्यारियां संगतां दा, गुरु कियां प्यारियां संगतां दा दास दिलों लिणी है जिन्हां ने बहुत मान सन्मान दिता है। मैं सदा लई तुहाडा सेवक है। खास करके अपने नौजवान इन्हां बच्चियां वल वेख के बड़ी मन विच तांग जागी। मैं अक्सर ये गल कहना जिहड़ियां पंजाब तों बाहर स्टेट्स ने उन्हां नूं मैं अक्सर एक गल कहना, तुहाडे सिर जिम्मेवारी बहुती वध गई है, बहुती वध गई तुहाडे सिर जिम्मेवारी। तुसीं हुण सिक्खी दा बीज संभाल के रखियो जे कदे पंजाब नूं लोड़ पई ते असीं तुहाडे कोलों सिक्खी दा बीज लिजा के उत्थे बोवांगे। उत्थों दे जालमां ने सिक्खी दी उत्थे जड़ पुट के रख दित्ती। उत्थों दी जवानी नशियां च गर्क है, उत्थों दा जीवन तबाह करके रख दित्ता। अज लोड़ है इस गल दी, तुसीं सिक्खी नूं संभाल के रखियो। मैं अपनियां धीआं बच्चियां नूं बेनती करके चले हैं, अपने जीवन विच ओहे जे भाई तारू सिंह वर्गे, बाबा दीप सिंह वर्गे गुरमुख प्यारे पैदा करिए, उन्हां नूं गुरबाणी दे लड़ जोड़िए तां कि आउण वाला समां साडा सफला होवे। अपने बच्चे हरप्रीत सिंह जी, वाइस चेयरमैन गुरद्वारा शीशगंज साहिब, जिन्हां दा समुच्चा परिवार ही गुरु घर नाल जुड़िया होया, होर गुरु घर दे प्यार वाले, गुरु घर दी कथा करन वाले, कीर्तन करन वाले बहुत गुरमुख आए ने, उन्हां सारिआं दा हार्दिक धन्नवाद। सरदार जगजीत शाह सिंह जी, उन्हां दा दिलों धन्नवाद, जिहड़े बड़ा प्यार दिंदे ने। फिर समां बणिआ ते हाजरी भरांगा। बहुत ही सन्मानयोग मेरे बच्चे भाई बलदेव सिंह जी बडाला, अज कल उह कौम दा दर्द ले के बड़ी अपनी काया ते दुख भी हंडा रहे ने, पर गुरु कृपा करे संगत अते गुरबाणी दा आसरा मिल गया ते मैनूं पूर्ण आस है आउण वाला समां जिहड़ा ओह खुशियां भरिया ते जित्तां भरिया होवेगा, सुहेला होवेगा, सदीव चढ़दी कला होवेगी जे गुरबाणी दे लड़ लग जाएंगे। इन्नियां बेनतियां प्रवान करियो। प्यार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।